हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फूड पैराडाइज। फ्रेंड्स, आज हम लोग बनाएंगे कराची हलवा, जिसे बॉम्बे हलवा भी कहते हैं। मेनली यह 4 इंग्रेडिएंट्स से ही बनता है, घी, वाटर, शुगर और कॉर्नफ्लोर। ड्राई फ्रूट्स आप अपनी टेस्ट और श्रद्धा के अनुसार मिला सकते हैं। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। एक कटोरी कॉर्नफ्लोर, उसी कटोरी से आधा कटोरी घी, एक कटोरी चीनी, एक कटोरी शुगर सिरप और ड्राई फ्रूट्स। अगर आपके पास शुगर सिरप नहीं है तो आप चीनी 2 कटोरी यूज करेंगे। एक मिक्सिंग बाउल में कॉर्नफ्लोर को 1.5 गुना पानी डालकर घोल लेंगे। विस्क की सहायता से अच्छे से घोलेंगे, लम्प्स बिल्कुल नहीं रहने चाहिए। घोल को एक तरफ रख देंगे। एक पैन में 1 कटोरी शुगर लेंगे। आपके पास शुगर सिरप नहीं है पहले से बना हुआ तो फिर आप 1 कटोरी और चीनी बढ़ा देंगे। आधी कटोरी पानी डालेंगे और इसको शुगर डिजॉल्व होने तक पकने देंगे। ये देखिए, शुगर अच्छे से डिज़ोल्व हो चुका है और बढ़िया से बॉयल आने लगा है। अब हम इसमें 1 कटोरी ग्रीन कलर का शुगर सिरप डाल रहे हैं। आपके पास शुगर सिरप नहीं है तो आप चीनी की मात्रा पहले से ही बढ़ा लेंगे और कलर आप अपनी पसंद के अनुसार डाल लेंगे। चाशनी खोलने लगी है। अब हम कॉर्नफ्लोर के घोल को फिर से एक बार चलाएंगे। कॉर्नफ्लोर जो तली में बैठ चुका है वो भी अच्छे से मिक्स हो जाए और अब इसको थोड़ा थोड़ा करके शुगर सिरप में डालेंगे और धीमी आंच पर पकाएंगे। हमने आधा कटोरी देसी घी लिया हुआ है, उसका आधा यानी 1/4 कटोरी देसी घी अभी डाल देंगे। इसको धीमी आंच पर इस तरह से चलाते हुए पकाएंगे। आंच तेज करेंगे तो हलवा खराब हो जाएगा, वह बिल्कुल कड़ा हो जाएगा। और इसे लगातार चलाते रहना है। दस से 12 मिनट तक इसे पकाना है। ये देखिए, कॉर्नफ्लोर गाढ़ा होना शुरू हो गया है। लगातार चलाते रहेंगे और इसमें 1-1 चम्मच घी डालते जाएंगे। इसी स्टेज पर आपको जो भी ड्राई फ्रूट्स डालना है उसको फाइनली चॉप करके इसमें डाल सकते हैं या फिर केवल मस्कमेलन सीड ही डाल सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स जितना बढ़ाते जाएंगे कराची हलवा का रेट उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाएगा। ये फिर से देसी घी डालें और इसको भी चला लिए। देसी घी को 3-4 बार में 1-1 चम्मच करके डालेंगे। अब लास्ट में थोड़ा सा केवड़ा जल डाल देंगे जिससे अच्छी सी खुशबू आए।
हलवा इकट्ठा आने लगा है, इसका मतलब कि लगभग पक चुका है। किसी ट्रे में घी या बटर पेपर पहले से लगा के रखेंगे, क्योंकि हलवा पकाते समय आपको बिल्कुल भी समय नहीं मिलेगा। एक कटोरी पानी में थोड़ा सा हलवा डालकर आप टेस्ट कर सकते हैं कि यह जम रहा है कि नहीं। ये देखिए बिल्कुल जमने वाली कंसिस्टेंसी हो गई है। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। गैस बंद कर देंगे और इसे एक मिनट तक ऐसे ही चलाकर ट्रे में जमा लेंगे। ऊपर से थपथपाकर इसे चिकना कर लेंगे। अब इसे 8 से 10 घंटे के लिए जमने के लिए छोड़ देंगे। पूरा ओवरनाइट रखने के बाद ये देखिए हलवा जम गया है। अब इसे चाकू की सहायता से पीसेस में काट लेंगे। घर पर उपलब्ध सामान से बिल्कुल सस्ते में और आसानी से बाजार में बहुत ही महंगी मिलने वाली मिठाई बनकर तैयार हो गई। ये लीजिए आपका कराची हलवा बनकर तैयार हो गया है। एंजॉय दिस डिलीशियस स्वीट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।